हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सिग्निटी सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है एमएस एक्सेस एसक्यूएल व्यू की। तो चलिए ये समझते हैं कि इसमें हम टोटल एडिशन कैसे करवा सकते हैं। एक आपको मैं आउटलाइन दिखा देता हूं कि कैसे हम इसमें एडिशन करवा सकते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं, यहां से क्लिक करते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाता है। यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहां से क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारे सामने एक टेबल दिखाई पड़ रहा है जिसको हमें करना है क्लोज, क्योंकि हम काम करने वाले हैं एसक्यूएल व्यू में। अब क्या करना है, अब हमें सीधे जाना है क्रिएट पर। क्रिएट पे आ गए, अब क्वेरी डिजाइन पर करना है क्लिक, तो क्लिक कर दीजिए क्वेरी डिजाइन पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो टेबल आएगी, इसको क्लोज कर दीजिएगा, एसक्यूएल व्यू पर आ जाइए। यहाँ पर हमें टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए कोड लिखना है क्रिएट टेबल और फिर हमें देना है टेबल का नाम। तो जो भी टेबल का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख देता हूँ प्राइस लिस्ट, ये लिख दिया मैंने टेबल का नाम प्राइस लिस्ट। अब इसमें क्या क्या चीजें देनी है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये लिख दिया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट। तो बस नेम ऑफ प्रोडक्ट आपको लिख देना है इस तरीके से, और यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप मेंशन कर दीजिएगा, कॉमा दीजिएगा, एंटर करके नीचे आइएगा। यहाँ पर प्राइस मेंशन करना है हमें, तो प्राइस को रख देंगे करेंसी डेटा टाइप, ठीक है, तो ये रख दिया करेंसी डेटा टाइप। और यहाँ पर एंटर करके नीचे आएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ से रन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्राइस लिस्ट क्रिएट होकर आ गई है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम हमें देना है और फिर उसकी प्राइस हमें देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम हमने दे दिया कीबोर्ड, ठीक है, तो ये लिख दिया कीबोर्ड, और कीबोर्ड लिखने के बाद यहाँ पे प्राइस दे देंगे, तो 440 रुपए प्राइस है कीबोर्ड की, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दे देते हैं माउस, तो ये हो गया माउस, और यहाँ पे माउस की प्राइस है 220 रुपए। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें एक और देना है एलईडी मॉनिटर कर देते हैं, तो एलईडी मॉनिटर की जो कीमत है वो यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे 7000 रुपए एलईडी मॉनिटर की कीमत हम दे देते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से एलसीडी मॉनिटर करते हैं, तो ये एलसीडी मॉनिटर हो गया, केवल एलसीडी लिख दिया मैंने, यहाँ पे मॉनिटर भी हम ऐड कर देंगे, लिख देंगे, तो ये लिख दिया मैंने एलसीडी मॉनिटर। ये लिखने के बाद यहाँ पर इसकी प्राइस दे देनी है हमें, तो इसकी प्राइस है 6000 रुपए, तो यहाँ पर डाल देते हैं 6000। तो ये हमने कुछ आइटम्स एंटर करवा दिए हैं, अब इनका एडिशन हमें करवाना है। पहले इसको सेव कर लेते हैं, जो क्वेरी बनाया इसको क्वेरी 1 के नाम से सेव कर लेता हूं, बाकी ये प्राइस लिस्ट के नाम से टेबल तो आ ही चुकी है। तो अभी हमने सबको क्लोज कर दिया, क्रिएट पे जाना है और फिर से क्वेरी डिजाइन पे जाना है और इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद एसक्यूएल व्यू पे आ जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट, तो हमें कैसे सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले करना है सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट, और यहाँ पे लिखना है सम, ठीक है, ये लिख दिया सम। और सम किसको करवाना है, तो सम हमें करवाना है यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस को, तो बस यहाँ पर दे दीजिएगा प्राइस, तो प्राइस का पूरा सम होकर के आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ से आएगा सम, जो है ये जो सम आएगा, तो इसको कोई नाम भी तो देना है, तो पहले नाम दे देते हैं एस टोटल, ठीक है, एस टोटल, यानी कि इससे इसका जो टाइटल होगा वो टोटल हो जाएगा, ठीक है। और कहां से आएगा, कहां से आएगा ये टोटल, मतलब कौन से टेबल में ये दिया होगा, टोटल कौन से टेबल में जाके लिखा जाएगा और कौन से टेबल का सम किया जाएगा, तो टेबल का नाम है प्राइस लिस्ट, तो यहाँ पे दे दिया फ्रॉम प्राइस लिस्ट, बस हो गया काम। ये देने के बाद हमें क्या करना है, बस काम हो गया, यहाँ से रन करवा देना है, तो ये रन करवा दिया, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल प्राइस आपको शो हो रही है 13,660 रुपए, ठीक है। क्या होगा अगर हम इसमें और भी आइटम्स को बढ़ा देते हैं, लाइक यहाँ पर मैं कर देता हूँ हेडफोन, तो ये लिख दिया हेड, फिर लिख दिया फोन, तो ये लिख दिया हेडफोन हमने, और हेडफोन लिखने के बाद इसकी प्राइस यहाँ पे रख दी मैंने 770 रुपए, तो ये देखिए यहाँ पर ये 770 रख दिया और ये हमारी क्वेरी है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्वेरी में जाकर के एक बार और इस क्वेरी को रन करवा देना, ये रन करवा दिया, आप देखिए ये प्राइस बढ़ गई, यहाँ पे देख सकते हैं 14,430 रुपए आ गया। एक बार फिर क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं कुछ और इसमें मेंशन करते हैं, लाइक यहाँ पर लिख देता हूँ ईयरफोन, ईयरफोन, ठीक है, तो ये ईयरफोन लिखा हमने और ईयरफोन की प्राइस है यहाँ पे मान लीजिए 1200 रुपए, तो ये 1200 रुपए डाल दिया। और यहाँ पर जैसे ही हम वापस जाते हैं क्वेरी 2 पर, तो यहाँ तो अभी कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, लेकिन अब आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर जाकर के इसको रन करवा दीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये प्राइस भी बढ़ गई। तो इस तरीके से आप ऐड करवा सकते हैं एसक्यूएल व्यू में। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।